Dear students, Assalamu Alaikum. Today we are going to create a list for our sales representatives. As you know, sales representatives are basically those people who help you in your sales. These sales reps can be your employees or commission agents, they can also be your vendors or clients. But what we need to do is we need to register them in our systems first before we can provide them any commission. जब तक इन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हम अपनी सारी सेल्स रिकॉर्ड ना करें तब तक इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जा सकता इसीलिए जब भी कोई हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसका हमने कमीशन बांधा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी सेल्स उसने की हैं इसलिए हमारे पास जब भी इन रिकॉर्ड होगी और उसका कोई सेल्स रेप है तो हमने उसका नाम ज़रूर उस पर मैंशन करना है और उसका नाम मैंशन करने के लिए जैसे आपको पता है कि हमारे पास वो नाम रजिस्टर होना चाहिए अगर वो नाम रजिस्टर है तो हम उसके साथ अपनी तमाम ट्रांजेक्शन्स इन वॉइसिंग वगैरह लिंक कर सकते हैं और उसके साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन हुई हुई है उसके तहत हम उसे पेमेंट भी कर सकते हैं याद रहे कि ये तमाम रजिस्ट्रेशन वंस अगेन हैज़ टू टेक प्लेस विद इन लिस्ट प्रोवाइड बाई आर क्विक बुक्स सो टुडे वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी हाउ टू रिजिस्टर आर सेल्स रेप विद इन क्विक बुक्स एंड हाउ टू रिकॉर्ड सेल्स बेस्ड ऑन आर सेल्स रैप सो लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स अब हम ये चेक करेंगे कि हमने अपनी इन वॉइसिंग अगर किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हमें ये गाहक या सेल्स आई है ये प्रोजेक्ट आया है तो उसके नाम पे बुक करें ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम उसका अगर कोई कमीशन बनता है जो भी हमसे बातचीत हुई है उसके तहत हम उसे पेमेंट कर सकें सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या सेल्स रैप हमारे पास लिस्टेड है या नहीं तो आप ये देख सकते हैं कि कस्टमर एंड वेंडर प्रोफाइल लिस्ट इसके अंदर जो सबसे पहली लिस्ट हमें नज़र आ रही है दैट इज़ सेल्स रेप लिस्ट इसके अंदर फिलहाल हमारे पास कोई भी सेल रेप जो है रजिस्टर्ड नहीं है इससे पहले कि हम रजिस्टर करें इन पे आप देख लें कि जब भी आप प्रोडक्ट इन इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास इस ड्रॉपडाउन में ये प्रोविज़न है कि आप यहाँ सेल रेप डाल सकते हैं याद रहे जहाँ भी ड्रॉपडाउन होगा समझ लें उसके साथ पीछे एक लिस्ट एसोसिएटेड अगर वो लिस्ट पहले से पॉपुलेटेड है तो नज़र आएगी नहीं है तो वो आपसे कहेगी ऐड न्यू आप यहां से भी ऐड न्यू कर सकते हैं और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आप लिस्ट में जाएं उसके बाद आप जाएं कस्टमर एंड वेंडर प्रोफाइल लिस्ट में और सबसे पहली जो आपको नज़र आ रही है सेल्स रेप लिस्ट इसको चूज करें जब आप सेल्स रेप लिस्ट को चूज करेंगे तो इस वक्त वो कंप्लीटली ब्लैंक है तो आइए हम दो सेल्स रेप यहाँ डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इन बना के और इनकी रिपोर्टिंग करके हमें क्या नज़र आता है पहला सेल्स रैप जो हम बना रहे हैं उसमें हम उसका नाम लिखेंगे ये हमसे पूछ रहा है कि जो आपने सेल्स रैप डाला है वो हमारी इम्प्लॉय लिस्ट में है ना ही वो वेंडर लिस्ट में है और ना ही वो अदर नेम के लिस्ट में है तो क्या इसको हम ऐड करें आपने कहना है ऐड करें और हम इसको साथ साथ ही इनमें से भी किसी लिस्ट में इसको रजिस्टर कर लेंगे अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ये किस टाइप का हमारा रैप है आम तौर पर सेल्स रैप हमारे एम्प्लॉ होते हैं तो हमने इसे एज एन एम्प्लॉयी चूज करना है यह भी हो सकता है कि ये हमारा एम्प्लॉ भी ना हो ये सिर्फ एक घूमता फिरता फ्री सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो जो कमीशन पे हमारे साथ काम कर रहा है लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम यह समझते हैं कि ये हमारा है और यह ऑटोमेटिक जब हम एम्प्लॉय चूज करेंगे तो ये एम्प्लॉय लिस्ट में भी आ जाएगा दूसरी चीज़ ये नोट करें कि जैसे ही हमने उसको चूज कर लिया है सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके इनिशियल्स बना लेता है हमने उसका नाम लिखा था कैपिटल जे और कैपिटल एच से स्पेस देके उसने उसका इनिशियल्स जे एच ऑटोमेटिकली खुद ही डिफाइन कर लिए तो ये चीज़ वो हमें खुद करके देगा तीसरी चीज़ ये है कि उसने हमें एम्प्लॉय बता दिया है कि ये हमारा एम्प्लॉय है इसको हम सेव कर लेते हैं और एक और हम रैप बना लेते हैं इसको भी हम एज एन एम्प्लॉय अपने पास रजिस्टर कर लेते हैं और जैसी हमने इसको रजिस्टर किया उसका इनिशियल हमारे पास ए AH, एच ऑटोमेटिकली आ गए जो हमने ऊपर नाम लिखा था उसके इनिशियल्स हमारा सिस्टम खुद ही पहचान लेता है और सेव कर लेता है अब हमारे पास दो सेल्स रेप हैं सेल्स रैप यकीनन सेल्स करेंगे एक्सपेंस उनके साथ अगर होगा तो वो एज एन एम्प्लॉय होगा अभी हम देख रहे हैं इन दोनों ने क्या क्या सेल्स की आइए चंद इन्वायॉयसें बनाते हैं और इन सेल्स रैप के साथ असाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी और किस तरह से इनके ऊपर रिपोर्ट बनाई जा सकती है ये हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ सेट कर ली है अब हमने इनमें से एक को चूज़ करना है जिसके तहत ये सेल हो रही है तो फर्स्ट केस में हम पहले सेल्स रेप को चूज करते हैं और ये कह रहा है कि अभी आपने इसका एक रेप डाल दिया है क्या अगली दफ़ा भी ये नाम आए आप कहें आए अब दूसरी दफ़ा हम अपने इस कस्टमर को एक सर्विस दे रहे हैं और क्योंकि इसकी क्लास सर्विस है तो इसका रेप भी अब फर्क है सर्विसेज के लिए हमने सेल्स रैप अलहदा रखा हुआ है और जो हमारी रोजमर्रा के मटेरियल की सेल है उसके लिए हमने रैप अलहदा रखा हुआ है तो सर्विसेज के लिए हमने एक नया रैप चूज़ किया है पिछली दफ़ा हमने दूसरा चूज़ किया था इसमें भी कह रहा है कि आपने दोबारा उसका बदल दिया है कि ये रहना चाहिए हम कह देते हैं हाँ अब हमने दो इन्वाइसें बनाई थी एक सर्विस की और एक हमारे मटेरियल की और एक हमने असाइन की है अपने सेल्स रेप को दूसरी असाइन की है दूसरे सेल्स रेप को अब हम देखना चाह रहे हैं कि इन्होंने अब तक की हमारी क्या सेल की है और किस इन्वॉइस के थ्रू की है उसका तरीके कार वन सकिन वही है कि हम लिस्ट में जाएँ और कस्टमर एंड वेंडर प्रोफाइल लिस्ट में जाके सेल्स रेप लिस्ट में चले जाएँ पहले तो आपने देखा था कि सेल्स रेप को जब हम क्लिक करते हैं तो हम नया बना सकते हैं लेकिन उसके साथ एक और भी बॉक्स है और वो है रिपोर्ट्स का और ये रिपोर्ट बना के देगा हमें उस सेल्स रेप की कि उसने किन किन इन्वाइसों पर क्या क्या सेल की है क्योंकि हमारे पास सिलेक्टेड हैं अशरफ हुसैन तो हमने जब कोई रिपोर्ट जनरेट की तो आपको नज़र आ गया कि इस सेल्स रेप की कितनी इनवाइसें हमारे पास पड़ी हुई हैं इसी तरह से हम चाहें इसे भी फिल्टर करके अपने लिहाज से किसी दूसरे रेप का भी देख सकते हैं और वंस अगेन मल्टीपल सेल्स रेप की भी आप देख सकते हैं हमारे पास फिल्टर में बहुत सारी ऑप्शन मौजूद होती हैं इस केस में हम दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं इंडिविजुअली भी देख सकते हैं रीज़न जैसे मैंने आपको बताई कि यह है कि हमारे पास ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास क्विक बुक्स में पहले से मौजूद है क्विक बुक्स सिर्फ ये कहता है कि आप डेटा इसमें डालें रिपोर्ट जिस एंगल से देखना चाहेंगे मैं उसको दिखा दूंगा जिस रेंज में देखना चाहेंगे दिखा दूंगा जिस एंटिटी के ऊपर बेस करके देखना चाहेंगे वेंडर पे कस्टमर पे आइटम पे सेल्स रैप पे मैं आपको दिखा दूंगा इस वक्त हमने दोनों सेल्स रैप चूज़ कर लिए आमतौर पे जब आप किसी की परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे तो आप एक ही चूज़ करेंगे ये सिर्फ मैं आपको फिल्टर की इसकी फैसिलिटी दिखाने के लिए काम कर रहा हूँ इस एक ही रिपोर्ट में आपको दोनों सेल्स रेप की कारकर्दगी सामने आ गई है जावेद हसन साहब ने दो इन्वासेस पर काम किया हुआ है और अशरफ साहब ने एक इन पे पर काम किया हुआ है और ये हमें इनकी पूरी परफॉर्मेंस एक ही रिपोर्ट में आ गई हो सकता है ये रिपोर्ट इनके इमिजिएट सुपरवाइज़र को भेजनी हो तो ये तरीके का आ रहा है कि आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अपनी इनवाइस के साथ लिंक करें और जब भी आप लिंक करेंगे आप उसके ऊपर इनकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देख सकते हैं अब आपने जैसे देखा कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का हमने जिस एंगल से चाहें रिपोर्ट निकाल सकते हैं सबसे पहले हमें उसके अगेंस्ट ट्रांजैक्शन कैप्चर करनी है क्योंकि उसने सेल्स की है यकीन इन वॉयस के थ्रू की होगी जैसे ही उसने इन्वाइस के थ्रू की हमने उसे रिकॉर्ड किया और जब जब उसके नाम से इनवाइसिंग हुई है सेल्स हुई है हम रिकॉर्ड करते चले गए उस हम रिपोर्ट को हमने आपके सामने पेश भी किया उसे कस्टमाइज भी किया और उसको फिल्टर लगा के हमने अपने रिक्वायरमेंट के तहत सेट भी कर लिया तो ये देख लिया आपने कि तमाम इसके अंदर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और ये कमीशन हासिल करने वाले जितने भी हमारे सेल्स रैप हैं उनको भी हैंडल कर रहा है और अपनी अकाउंटिंग भी पूरी कर रहा है सो दैट्स इट फॉर टुडे इन क्विक बुक्स